अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी जो है वो दोपहर का टाइम है और हम लोग आ गए हैं घाट पर। तो हम लोगों का प्लान था कुछ घूमने का, इंजॉय करने का, लेकिन जो हम लोग घाट पर आए तो फिर गंगा की हालत कुछ इस तरह की हो रखी है कि पूरा बाढ़ आया हुआ है, पानी पूरा ऊपर तक आया हुआ है। इधर से जो रास्ता है, हम लोग आते थे यहाँ पे गाड़ी वाड़ी लगाते थे, लेकिन अभी इसका ये हाल हुआ हुआ है कि पूरा पानी भरा हुआ है और काफ़ी हम लोगों को जो है देखकर डर लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने जो है वो अपना प्लान जो है वो कैंसिल कर लिया कि नहीं, यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं क्योंकि ये डेंजर है और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से पूरा पानी भरा हुआ है। हालांकि यहाँ बारिश कुछ खास हो नहीं रही है, तो ये हाल है गंगा का। अगर बारिश कंटिन्यू होती तो फिर तो अलग ही उसका हाल होता। तो फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद घर आने के बाद जो है वो तो चिकन, तंदूरी चिकन बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसको धोकर जो है वो हम लोग इस तरह से कट लगा लेंगे। इसको अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, उसके बाद जो है इसमें कट लगा दूँगी अच्छे तरीके से पूरे चिकन में, ताकि जो इसमें मसाला मैं मैरिनेट करूँ तो फिर ये पूरा जज्ब अच्छे से कर जाए मसाले को। इसमें जो भी मसाला मैं डालूँगी, नमक, तेल वगैरह सब कुछ। छोटा छोटा ही चिकन लिया था क्योंकि छोटा चिकन जो है वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले एक बाउल में जो है वो दही फेंट कर डाल दूंगी, उसके बाद इसमें सारे मसाले डालूंगी। घर पे जो है वो आने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम से बना रही हूँ। ये खाने में जो है काफ़ी मज़ेदार लगता है और वहाँ तो बना नहीं पाती थी, यहाँ घर पे जो है वो बना रही हूँ। इसमें सारे मसाले डालूंगी, हल्दी, मिर्चा और नमक, और साथ में तंदूरी मसाला भी इसमें डालूंगी। तो इसकी जो है वो मैं स्वाद अनुसार सब कुछ डाल रही हूँ। और ये वाला जो एक पैकेट है तंदूरी मसाला का ना, ये मैं पूरा डाल दूंगी इसमें, क्योंकि ये दो चिकन जो है वो मिलकर हम लोगों का 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा था और ये 1.5 किलो में ये पूरा एक पैकेट जाता है। तो इस वजह से शान का ये मसाला है, तो इसे मैं पूरा डाल दूंगी इसमें। उसके बाद मैं इसमें नमक डाल दूंगी। ये वाला जो है वो तंदूरी मसाला वो मैं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डालूंगी। वैसे जो पैकेट था शान वाला, उस पर ये अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट नहीं डालने का था, लेकिन मैं डालती हूँ इस वजह से मैं इसमें डाल रही हूँ। और 2 लेमन जो है उसे मैं काट कर इसमें डाल दूंगी। तो बीज मैं निकाल चुकी हूँ, अब अच्छे से इसको स्क्वीज़ कर लूँगी इसमें। तो पहले मैं चिकन का जो है वो मैरिनेट का मसाला रेडी कर रही हूँ। उसके बाद इसे अच्छे से मसाला मिला लेने के बाद मैं इसमें चिकन डालूंगी। तो थोड़ा सा जो है वो मैं इसमें खाने वाला जो फूड कलर होता है ना, वो मैं डाल रही हूँ। वैसे तो इसमें रेड कलर जाता है, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल था नहीं, तो फिर मैं ये वाला पीला रंग या ऑरेंज जिसको क्या कहते हैं वो डाल दी मैं। और इसे अच्छे से पहले मैं चम्मच से मिक्स कर लूँगी तेल डालने के बाद। अच्छे से जब मसाला मिक्स हो जाएगा ना, फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। और चिकन डालने के बाद फिर जो है वो मैं मसाला को हाथ से ही इसमें अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि चम्मच से अच्छे से लगेगा नहीं, और जब तक इसके अच्छे से मालिश नहीं की जाए तो फिर वो सही से मसाला जो है वो चारों तरफ नहीं लगता है। तो हर तरफ जो है वो मैं अच्छे से मसाला लगाऊंगी, और दूसरे वाले में भी मैं सेम प्रोसेस करूंगी। अच्छे से मसाला लगा लेने के बाद जो है वो मैं इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूंगी। वैसे जितनी देर आप रखेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 1 से 1.5 घंटे रखने के बाद जो है, सबसे पहले मैं इसमें एक जो पतीला है उसमें मैं तेल डाली हूँ। उसके बाद इसे थोड़ा सा मैं जो है वो पका लूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा इसे नहीं कुक करना है, इसे थोड़ा सा पकाना है। और सारा मसाला जो है वो मैं इसमें ही डाल दूंगी। इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं इसमें पकाऊंगी। उसके बाद जो है वो भाई लोग ना यहाँ पे आग जला रहे थे, क्योंकि अब जो है वो मुझे इसे इसमें भूनना है। 10 से 15 मिनट मैं चूल्हे पर रखी थी ताकि उसका जो भी मसाले का वो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आग जला रहे थे भाई। तो ये आग जलने में ना काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि कोयला जो था वो सूखा हुआ नहीं था। आज ही हम लोग लाए थे और इसे जला रहे थे, तो थोड़ा टाइम लग रहा था। अदरवाइज़ सूखा हुआ कोयला रहता है ना, तो फिर वो जल्दी आग पकड़ लेता है। शायद बारिश हुई थी 1-2 दिन पहले, तो इस वजह से भीगा हुआ था। तो देखिए कुछ इस तरह से जो है वो हम लोग इसे पका लिए थे चूल्हे पर। और उसके बाद जो ये पूरी तरह से नहीं पका है, उसके बाद जो है हम लोग इसको डाल देंगे आग में।
तो अच्छे से कोयला जो है वो आग पकड़ चुका है, और फिर हम लोग इसमें जो है वो चिकन डाल रहे हैं। तो एक डाल दिए, उसके बाद उसी तरह दूसरा भी डालेंगे। तो पहले तो हम लोग डायरेक्ट डाल रहे थे सीख में डाल के, फिर हम लोगों को लग रहा था कि इसकी वजह से आग ठंडा नहीं हो जाए क्योंकि वो बिल्कुल सेट रहा था। तो फिर इस तरह से जो जाली होती है ना उस पर हम लोग चिकन रख दिए थे ताकि इससे ये हो रहा था आग भी नहीं ठंडा होता और कोयला भी इस पर नहीं लगता। तो फिर इसे अच्छे से जो है वो हम लोग रोस्ट कर लेंगे। और काफ़ी गर्म लग रहा था, गर्मी काफ़ी थी और यहाँ पे जो कोयले के पास हम लोग बैठे हुए थे ना तो काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा था। तो ये देखिए ऑलमोस्ट जो है हो चुका है ये, और अच्छे से अब इसे ये ऑलमोस्ट क्या ये हो चुका पक चुका है। तो इसे अब हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे, ये पूरी तरह से पक गया। उसके बाद जो उसका थोड़ा सा जो पका हुआ मसाला था ना उसमें मैं जो है वो आटा शक्कर और नमक डालकर अच्छे से ना एक आटा गूंद ली थी। उसकी रोटी जो है वो बहुत मज़े की लगती है। तो पहले तो मैं इस तरह से हाथ से ऐसे ऐसे करके से बना रही थी और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट उसे कोयले पर सेक रही थी। तो ये काफ़ी मोटा सा हो गया था और मुझे इस तरह बनाने का एक्सपीरियंस है नहीं, इस वजह से ये अच्छे से मुझसे नहीं बना था। फिर जो है ये वाला तो किसी तरह मैं सेक ली थी इसे, लेकिन फिर जो दूसरा मैं बनाई थी ना उसे मैं बेल कर बनाई थी क्योंकि वो मुझे आता नहीं है इस तरह से हाथ से, लोग जो बनाते ना गांव में उस तरह से मुझे बनाने नहीं आता। तो फिर मैं इसे बेल कर बनाई थी और ये काफ़ी मज़े का बना था, बहुत ही अच्छा बना था। तो ये हमारा तंदूरी चिकन रेडी हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।